सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील होनी लाजमी है। चारों सूबों की तरफ से हम पिटीशन लेके जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। हुकूमत को किसी स्कैंडल से कोई खतरा नहीं है, ये स्पेक्यूलेशंस हैं और उनको इस पे भी शर्मिंदगी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। बात होगी नाजरीन मेमो की क्राइसिस जो बरकरार है, और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की एनआरओ की रिव्यू जो पिटिशन दायर हुई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। रिव्यू पिटिशन को मुस्तरद करने के बाद क्या कोई ज्यादा हुकूमत और अदलिया के दरमियान टेंशन बढ़ेगी, उस पर बात करेंगे। और मेमो क्राइसिस के हवाले से हुसैन हक्कानी साहब से तो इस्तीफा ले लिया गया, अब इंक्वायरी जो है वो किस तरफ जाएगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, पाकिस्तान के मेजर अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दो पिटिशन दायर की हैं मेमो क्राइसिस के हवाले से। एक उन्होंने कहा है कि हुसैन हक्कानी साहब जो सफीर थे पाकिस्तान के, उनको हर सूरत पर ईसीएल पर डाला जाए, और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि बाकायदा तौर पे समाअत करे सुप्रीम कोर्ट मेमो क्राइसिस के हवाले से एक केस की। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुद मेमो क्राइसिस के हवाले से पार्लियामेंट के फ्लोर पे कल ये अनाउंस किया कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे और जल्द बिठाएंगे, लेकिन कब बिठाएंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक कुछ लोगों का कहना है इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठ जानी चाहिए थी। नाजरीन, इस सबको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियन अयाज अमीर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम अयाज। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आमिर मतीन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। नाजरीन, फोन लाइन पर हमें पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन नदीम अफजल चंद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम। आपसे शुरू करते हैं जस्टिस साहब, ये बताइएगा कि आज जो एनआरओ की डिसीजन आई है, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये सही मुस्तरद हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि ये नाजायज हुआ है, टाइम और मिलना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें देखिए रिव्यू कभी भी स्कोप बहुत कम होता है, तो जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, मिसाल के तौर पर रिव्यू की एक छोटी सी बात बताऊं, रिव्यू का एक प्रिंसिपल ये भी है कि अगर फैक्चुअल लीगल साइड पर जो है कोई बात कही गई है और उसको कंसिडर करने के बाद कॉन्शियसली फैसला गलत या सही किया गया है, तो वो भी उसमें भी उनको इख्तियार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिव्यू का जो आज फैसला हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी क्यामत नहीं आने वाली, इसमें कोई बहुत सारी ऐसी बात भी नहीं आएगी जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कोई बहुत परेशानी की बात होगी। ये रिव्यू का डिसमिस होना ये तो सामने नजर आ रहा था, ये तो दो साल इन्होंने निकाल लिए बस। जी बताइए आप नदीम अफजल साहब, क्या आपको लग रहा है कि क्यामत आ गई या डिसीजन आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला क़यामत बिल्कुल ना आई है ना आएगी, ना इंशाल्लाह जल्दी हम आने देंगे। तो है एक दिन, उसको तो नहीं आप रोक सकते वैसे क़यामत, लेकिन अब आप इस फैसले से मुतमईन हैं या इसको आगे बढ़ाएंगे? कुछ सियासी क़यामत की बात कर रहा हूँ, तो रह गई बात जो जैसे साहब ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है, और मेरे ख्याल में मैं सुप्रीम कोर्ट हर रोज जाता रहा हूँ और सुनता रहा हूँ, लेकिन एक चीज नसीम बड़ी हमने अजीब महसूस की है, जजेस का रवैया जो ओवरऑल था, सच्ची बात है कुर्बानियां, हमें तो बड़ा दुख हुआ है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों को जुडिशरी ने तो बिल्कुल ही, वो जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती थी वो बड़ी अजीब सी थी, मैं तो उससे बड़ा शाय था। और वो लोग जो आज अदलिया के बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं अदलिया की आजादी के, जो डोगर कोर्ट्स में भी पेश होते रहे हैं, जो उस वक्त एजेंसी से भी खुफिया तौर पे मिलते रहे हैं, आज वो बड़े फ्रंटमैन और टीवी पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बेहतर होता कोई उनमें से अगर पैनल में होता तो मैं उससे बात करता कि ये अदलिया वो हमारे वाली अदलिया तो हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन हम उनके फैसलों पे पहले भी हमने एहतराम किया है और आइंदा भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अमल दरामद भी होगा। पीपल्स पार्टी ये मौका नहीं आने देगी कि कभी अदलिया से टकराओ उस हद तक चला जाए जिस तरह साबका अदवार में। अच्छा, तो ये सियासी आपका तबसरा है, लेकिन आप फैसले से मुतमईन? आप बताएं आमिर के सियासी इम्पैक्ट क्या होगा, ये अब बात खत्म है या क्या?
नसीम, मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे या सेंटर में जो है प्रेशर आगे से बढ़ जाएगा। अगर बड़े तनाजुर में इसको देखें तो ऑलरेडी ये मीमो का केस चल रहा है और उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब खुद जो है अदालत में जा चुके हुए हैं, और याद रहे कि उनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया, वो खुद गए हैं। इससे थोड़ा सा एंटे जो है वो बढ़ गया है कि इसमें अगर वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल खुद पेश हो जाते हैं तो इसका हाई प्रोफाइल होने से एक इस केस के इर्द गिर्द मीमो का इशू जो समझ रहे हैं कुछ लोग के दबा है, ये दबेगा नहीं। इसका आगे देखेंगे जाके कि क्या बनता है। और उसके अलावा अगर लार्जर तनाजुर भी देखें कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं कराची के अंदर, ये जो सारे लड़ाइयाँ आपस की चल रही हैं पंजाब के अंदर, शामुद कुरैशी साहब छोड़ के जा रहे हैं, तो वो परेशानियां उनकी बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। अयाज ये बताएं, एक तो खत देखेंगे कि खत लिखना है स्विट्जरलैंड नहीं लिखना, मेरा ख्याल है इसका जो नतीजा है सबसे बड़ा तो वो होगा सियासी सतह पे कि ये फिर से प्रेशर आएगा कि जरदारी साहब के हवाले से जो स्विस अकाउंट्स हैं वहाँ खत लिखा जाए, जो NRO केस है। तो मेरा ख्याल है पुटिंग दैट असाइड, जो नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा मूव किया है, सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और खुद जैसे आमिर कह रहे हैं ही इज़ बिकम द पटिशनर हिमसेल्फ अलॉन्ग विथ ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं और इसहाक डार साहब भी हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आपकी पार्टी अब इस केस को लेके ये मेजर इनका पोलिटिकल टूल बन जाएगा प्रेशर के लिए? लगता तो ऐसा ही है कि इसको वो कर रहे हैं कि ये हमारे हाथ एक इशू आया है, लेकिन देखना चाहिए था जब हुसैन हकानी की सफारत उन्होंने ले ली है, प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, कागज का टुकड़ा जो है मंसूर इजाज से लेके हकानी तक जाता है, उसके बाद कहीं नहीं जा रहा, अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट जाके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट कब से बन गई? 184 जो है सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सब क्लॉज 3 जिसके तहत हमने खींच खींच के वो जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजेस से लेके पता नहीं कहां कहां तक हम कर गए, बाकी काम सुप्रीम कोर्ट का ये बेहतर बता सकते हैं कि वो कितना खुश असलूबी से हो रहा है या नहीं। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सुप्रीम कोर्ट कहां तो से नहीं बन है गी? तो फिर आप अपनी पॉलिसी, ये जो पार्टी की पॉलिसी है उससे आप इत्तफाक नहीं कर रहे? मैं मानता हूं क्योंकि वो लीडरशिप ने की है तो उसमें हायर विजडम आपका है, हायर विजडम होगी, लेकिन एक मॉडल जो है शायद अभी तक हायर विजडम को देख नहीं पा रहा। अच्छा नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे जो हायर विजडम की बात करें ख्वाजा आसिफ साहब या इसहाक डार साहब या किसी से कोशिश करेंगे बात करें जो पार्टी का मौकफ दें, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे एनालिस्ट दोस्त पार्लियामेंटेरियन वो अग्री नहीं करते, तो ये क्या ख्याल है, ये सही कह रहे हैं कि ये सब दो कि मैं अग्री नहीं करता, मैंने राय दी नहीं, है राय ये दो, आपने दो तो हक में, आपने तो वो कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट करती है कि ऊपर ऊपर के वो कर दिया वो तो ना कर, लेकिन हम आपको तजिया कार के तौर पे भी देखते हैं। दो बातें आपने फरमाया कि डिसिप्लिन आप अग्री कर रहे हैं बट योर एनालिसिस इज के जरूरत नहीं। मैं डिसिप्लिन की बात मैंने की नहीं, मैंने तो हायर विजडम की बात की। नहीं इसमें देखिए दो कानूनी बातें भी है, जैसे कि उन्होंने एक तो हाईलाइट कर दी ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने दो प्रेयर की हैं जो पिटीशन में, एक तो उन्होंने यह फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे, वो तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है, दूसरी प्रेयर उनकी यह है कि इसके लिए जुडिशरी को कमीशन बनाए। अब जो ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कमीशन का उन्होंने, इसमें है ये इस्तदा किया, दो 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 बातें की ना, आखिर सुप्रीम कोर्ट में किस लिए गए? तो जब जिसको जाएंगे तो जैसे कि उन्होंने फरमाया कि 184 का स्कोप है, जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस तो चले आ गया, लेकिन सवाल यह कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें इफेक्ट होता है, और इन एनी केस कमीशन ये सुप्रीम कोर्ट का यह काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजों का कैसे कमीशन बनाएगी, और तीसरी बात है सबसे अहम बात है इसमें आप ने एविडेंस कलेक्ट करनी है, तो जो एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस हवाले से ये कोई सियासी तौर पर तो ये एक अच्छी मूव हो सकती है, लेकिन लीगल साइड पर जो है मैं नहीं समझता ठीक है। तो उसका मतलब कि अगर ये एडमिट कर लें तो शायद सियासत सुप्रीम कोर्ट भी कर रही होगी? नहीं मैं तो ये नहीं कहूंगा, आप तो नहीं कह सकते वो, इसलिए नहीं, वो एक और बात है। देखिए ना, फिर आपको लफ्स लाइफ जो है आर्टिकल 9 को उसकी मतलब काफी उसका वाइड स्कोप हो गया है। एक बात
बात बड़ी मुश्किल से कही जा सकेगी कि जनाब ये लाइफ सिर्फ वो लाइफ नहीं है जो सांस लेना या खाना पीना या जिंदा रहना है, उस लाइफ में हर चीज आती है जिसमें वो खींच खूंच के वहां ले जाएंगे जिससे हमारी बेइज्जती हुई है और हमारे कौम का और हमारे इदारे और फलां और फलां फलां। जी तो, उन्होंने कहा है कि फौज के हवाले से उनका मुल्क के और रियासत पर इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। लेकिन मैं ये नदीम अफजल साहब के पास जानना चाहती हूँ, ये बताएं कि बहुत लोगों का कहना है कि अगर ये पहले रोज ही इंक्वायरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब बिठा लेते तो इस हद तक बात जाती ना। हक्कानी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ आईएसआई चीफ ने लिया, एक कमरे में बैठे और उसके बाद उनसे रेजिग्नेशन ले ली, इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बन पा रही अभी तक? उधर से बुला के एयरपोर्ट से लेके उधर से वो जिस तरह पुलिस चित्रोल कर दी है वो करनी चाहिए थी, कोई तरीका होता है? हाई चित्रोल तो आप लोगों ने करवा दी, कमेटी बनाते तो कमेटी, मेरी बात सुने, जो पिटीशन कर रहे हैं वो शायद कारगिल, इसके साथ कारगिल की भी एक प्रे कर देते, इसके साथ एक मेहरान की कराची की एक प्रे कर देते, एक उसामा बिन लादन के इशू की प्रे कर देते, ये सारी प्रे इकट्ठी हो जाती तो फिर मैं मियां साहब के विजडम को मानता। अब तो एक पॉइंट करेंगे, एडवोकेट ख्वाजा आसफ साहब हमारे बड़े मोहतरम है, आजकल वो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, रोजाना बैठे होते हैं और वो तो अब मेरे ख्याल में शायद उनको अब लाइसेंस भी जल्दी मिल जाएगा। तो मैं अब सूरत हाल ये है कि ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर आप सियासत करेंगे फिर आप अपनी एजेंसीज को भी गाली देंगे, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, तो फिर अपने अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए। सियासत करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है नसीम, जब इश्यूज आपके पास खत्म हो जाए तो फिर आप ऐसे इश्यूज ढूंढेंगे, लेकिन ऐसे इश्यूज को पहले अपनी पार्टी को तो इत्माद में ले। मैंने जो सवाल आपसे, आपके सारे पॉइंट अपनी जगह यकीनन जायज होंगे, मैं तो सवाल ये कर रही थी कि इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बिठा दी पहले ताकि बात इस हद तक पहुंचती ना, क्योंकि हुसैन हक्कानी साहब के साथ बहुत सारे लोग कहेंगे ज्यादती हुई है, क्योंकि एक प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी होती जहां वो अपना खुल के बात कर सकते। अब बिठा दी है और मेरा ख्याल में बिठा दी इंक्वायरी उन्होंने बिठा दी, और जब आईएसआई चीफ, आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनसे पूछताछ कर ली है, तो इंक्वायरी हो जाएगी। सबसे बड़ी इंक्वायरी तो इन चार लोगों ने खुद कर लिया, मेरे ख्याल में तो अब बाकी इंक्वायरी टोपी ड्रामा ही होगा। ले अच्छा होनी नहीं चाहिए इंक्वायरी, को किस चीज की होनी चाहिए भाई? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मैं तो एक आम पाकिस्तानी होने के सिया से मैं कहता हूँ बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं हमारे मुल्कों में, क्या हर मामले पे इस लेवल पे इंक्वायरीज होती हैं कि मंसूर इजाज को इतना मोतबिर हो गया है कि उसकी बात पे आप एक छोटी सी बात अपने मुल्क की बदनामी पे तुले हुए हैं? क्या वो लोग, ये दुनिया में मैसेज नहीं जाएगा कि आप किस तरह के एम्बेसडर? तो फिर आपने वो स्टेप क्यों लिया भाई? जो तीन साल आपका एम्बेसडर रहा हो क्या वो इतना बुरे काम करता रहा, तो फिर तीन साल पहले आपने उसको क्यों नहीं हटाया? निकाला क्यों है? मुझे आप तो बात ही उल्टी कर रहे हैं, मैं तो यही कह रही हूँ उनका से होता अगर आप उनको एक प्रॉपर इंक्वायरी होती, आप वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन आप हमसे नाराज हो रहे हैं। मैं आपसे पाक बात करता हूँ तो बड़ा आलमी है, आप कहते हैं आप बात ही उल्टी कर रहे हैं, सीधी बात वो होती है जो उसमें मुनाफकत हो। नहीं नहीं आप, मैं वैसे एक गुजारिश करूं, मेरे तो बड़े मोहतरम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और हम अक्सर बात वहां करते रहते हैं, इतना मैंने जज्बात में कभी नहीं देखा जो नदीम अफजल चांद साहब आज जज्बात में आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, प्रोटेस्टिंग टू मच, आज कुछ ज्यादा एहतजाज। मेरा ख्याल है बहुत से लोग और मुझे भी लगता है कि हुसैन हक्कानी को फुल से मिलना चाहिए था, ये जो तरीका कार था क्या वो जायज था उनके साथ? और ये नदीम अफजल साहब तो मुझे कह रहे हैं कि जो होना था हो गया, बस अब क्या जरूरत है बाकी टोपी ड्रामा। मगर अगर आप नसीम ये समझती हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो फिर ये इंक्वायरी होने में वो नहीं है, मगर मेरे ख्याल जो नवाज शरीफ साहब पटिशनर बने हैं उसके पीछे बुनियादी दो तीन उनके रीजंस हैं। एक तो ये कि जाहिर है वो गवर्नमेंट पे एतबार नहीं करते हैं कि इनकी कमेटियों के अंदर अच्छी तरह से प्रोसिक्यूशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर वो फेयर नहीं समझते हैं। दूसरा ये मेरा ख्याल है कि वो ये देखते हैं कि ये इन्होंने जरदारी गो मूवमेंट जो बनाई हुई है सड़कों के जरिए, शायद ये सिस्टम नहीं बैठने वाला और ये हुकूमत नहीं जाएगी, तो उनको शायद ये एक ख्याल होगा कि शायद ये इन्वेस्टिगेशन जब जाएगी तो फिर इसमें से कोई ऐसी लिंकेज विद आसिफ जरदारी साहब निकल आए। अब ये एक अलहदा बहस है कि वो निकल भी आएगी तो वो फिर भी उनका रिमूवल कैसे होगा, एक वो बिल्कुल एक दूसरी सियासी और एक कानूनी बहस है। मगर तीसरा उनका ये वो इसका प्रोफाइल बढ़ जाएगा। अब ये अब मामला जो है ये खत्म नहीं होगा, वो इसलिए कि वंस ये अगर कमीशन बना देती है सुप्रीम कोर्ट तो उसके बाद फिर वहां पे बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी आए जाएंगे, कुछ भी बुलाया जाएगा। और आर्मी ने जब आपने ऑलरेडी उन्होंने इसको सीरियसली लिया है, हम
हम लें या ना लें, बहरहाल आईएसआई चीफ वहां पे लंदन गए हैं तो उनके लेवल पे इनका ये हमें नहीं पता कि उसकी वजूहत क्या थी। हम कह रहे हैं कि वो एक बेचारे आदमी थे, वो निकाल दिए गए और इतने बड़े फैसले हुए हैं और इतना बड़े लेवल तक ये गया है, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें हर्ज नहीं है कि इसके आगे कमीशन बना जाए। मगर मैं आज अयाज अमीर साहब ने, अच्छा एक मिनट हम इस पॉइंट पे नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन बात हो रही है इस वक्त मेमो कंट्रोवर्सी के, मेमो क्राइसिस के हवाले से जो इंक्वायरी की बात है। नदीम अफजल साहब, आपने फरमाया ब्रेक से पहले कि ये बाकी तमाम टोपी ड्रामा होगा, तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के फ्लोर पे टोपी ड्रामे को आगे क्यों ले जा रहे हैं? उन्होंने नंबर एक इंक्वायरी कमेटी की कमिटमेंट दी, फिर कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने भी आज इस पर कोई हेयरिंग की है, अब उन्होंने सुना है बुलाया है सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को, सेक्रेटरी डिफेंस को, तो ये क्या हुकूमत आपके हवाले से टोपी ड्रामा है? तो ये सारा आप मेरी बात समझे नहीं है। देखें दो चीजें, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नसीम स्पीच की थी हाउस में और याज मीर साहब भी थे, मैं भी था, उन्होंने कहा कि हम ये होना चाहिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल में लिए जाता, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं दी जाती, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप खुद ही तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, पार्लियामेंट का फोरम आपने पॉइंट आउट इधर किया मामला, जब मैं जवाब दे रहा हूं पहले भी आपको कहा है कि आपको इतमाद भी लीजिएगा। मैं कहता हूं कि अगर इंक्वायरी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी करे या पार्लियामेंट की कमेटी करे उस बात की समझ तो आती है। उसके अलावा अब हुसैन कानी की या इस लेवल पे आईएसआई की इंक्वायरी को ग्रेड 22 का ऑफिसर या कोई जनरल कैसे अकेला बंदा, ये तो कमेटी को प्रोब करे वो तो बात समझ में आती है, पार्लियामेंट का सुप्रीम होना तो ये यकीनन एक अच्छी चीज है, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा के ले जाना कि ईसीएल में नाम शामिल करें, ये करें वो करें और इनको जलसों में जिक्र करना, मेरे ख्याल में ये पहले पार्लियामेंट, या तो आप कहें, आप खुद ही कहते हैं पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, आप खुद ही पार्लियामेंट में दो दो घंटे स्पीचेस करते हैं इस इशू के ऊपर, और जब प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है या आगे से कोई जवाब आता है या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, आप देखें इसहाक डार साहब ने खत लिखा रजा रबानी साहब को, वो तो उस चीज को हर बंदे ने अप्रिशिएट किया कि ये पार्लियामेंट के अंदर इशू को लेकर है, लेकिन इस चीज की मुझे समझ नहीं आती कि पार्लियामेंट के पैरेलल आप इशू को बहुत सारे फोरम पे आप उठा रहे हैं, इस तरह आप इशू को सुलझाने की बजाय मेरे ख्याल में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये बताएं थोड़ी सी, ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अयाज, की थोड़ी सी कंफ्यूजन भी लगती है आपकी पार्टी की लीडरशिप में। चौधरी निसार साहब ने कल खड़े होकर बड़ी धुआंधार जब तकरीर की कोर्ट करी, उन्होंने कहा अगर मेमो जाली है तो हकानी साहब से इस्तीफा क्यों लिया गया, उन्होंने कहा हकानी से फौज के दबाव पर इस्तीफा लिया गया है, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। अच्छा यहां तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हुआ हुसैन हकानी साहब के साथ बजायर कह रहे हैं कि ज्यादती, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, इज योर पार्टी कंफ्यूज, वो क्या इसको इनकैश करना जा रही है पॉलिटिकली और समझ नहीं आ रही क्या करें? देखिए मैं चौधरी निसार अली खान का एडवोकेट तो नहीं हो सकता कि वो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं, किसी और बारे में क्या कह रहे हैं। लीडर तो है ना आपके, नहीं वो है पर मैं नहीं कह सकता उसे जो भी है वो करें या वो क्यों गए हैं, लेकिन एक बात है जो ट्रांसक्रिप्ट शाया हुई है अखबारात में पाकिस्तानी मीडिया में मंसूर एजाज और हुसैन हकानी के कम्युनिकेशन के बारे में, वो हुसैन हकानी ने नहीं कहा कि ये फोर्ज्ड है, ये फेक है, उन्होंने दाएं बाएं ओब्लीक चीजें कही हैं, लेकिन उससे अगर आप पूरी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ें तो उनकी तेजी उसमें नजर आती है। हम जो मीडिया के लोग हैं जो उनको जानते हैं वो हमेशा तेजी का शिकार रहे हैं, पता नहीं कब से उनकी तो करियर ऐसी है कि वो अगर आप एक नॉवल में डालें तो वो यकीन ना किया जाएगा। पहले आईएसआई के आदमी थे, थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे इजाजत दें हुसैन हकानी के बारे में बातों में ये समझना चाहती हूँ। देखिए एक प्रोसेस होता है और जितना संगीन मसला है उतना ज्यादा प्रोसेस सीरियस होना चाहिए, तो ये जो सवाल उठता है कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है कितना फेयर है, उस हवाले से ये कोई इशू अब है या नहीं है? नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है जी उसकी रेजिग्नेशन डिमांड करने की ट्रांसक्रिप्ट से बेसिस वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर तो ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो जब वो एक्शन हो गया है जो सफीर साहब, मैं वो जो डिटेल में गया था, जो सफीर साहब उस कम्युनिकेशन के बीच में मुलव्वस पाए गए हैं,
जो उन्होंने एडिक्वेटली डिनाई नहीं किया उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, तो फिर अब क्या बात है? अच्छा ठीक है, ये आपसे कह रहा हूं कि और आप क्या इसको कुरेदना चाहते हैं? आप कहां तक चाहते हैं कि फुटप्रिंट से कहां जाए? अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहां से जाके फिर वहां जानी चाहिए, फिर वहां वहां अगर जाएंगी तो आप क्या करेंगे? इसका सवाल वो गोजरदारी गो से मिलाएंगे ना, ये उसका, उनका नहीं, पर तो उसका जवाब जो है चार साल में नहीं आया। बहुत सारे लोग चाहते हैं वो जाए, शायद मैं भी चाहता हूं, लेकिन अब तक कोई खातर खा जवाब नहीं दे सका किस तरीके से आप चाहते हैं। 111 ब्रिगेड आएगी, एम्बुलेंस आएगी, पॉलीक्लिनिक से डॉक्टर्स की टीम आएगी, कोई FIA की कमांडो टीम आएगी, इम्पीचमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट के देयर लॉर्डशिप्स जो के बातें करते हैं लेकिन नतीजा पहुंचने पे बहुत मतलब वो तहमुल से वो काम लेते हैं, क्या होगा वो किसी को नहीं पता। तो ख्वाहिश का वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो दम तो हमारा निकल रहा है लेकिन करना क्या है वो किसी को नहीं पता। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि PMLN का मौकिफ है उसको कोई डिफेंड करे। यार सब तो अपनी बड़ी एनालिटिकल पोजीशन ले रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि उनका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू करे, डिफेंड कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट हो। जी मैं पॉलिटिकल बात, मैं नसीम ये कहना चाहूंगा कि PMLN और चीजों में कहीं में बहुत कंफ्यूज है और उनके बड़े कंफ्यूजन होंगे, मगर इस इशू में वो कंफ्यूजन नहीं है कि वो इस पर सियासत कर रहे हैं। क्यों नहीं करें सियासत? ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत अहम इशू है, पूरी दुनिया में हमारी एक जग हंसाई हुई है, एक हमारा एम्बेसडर हाई प्रोफाइल उसमें उड़ा दिया गया है, मतलब उनको हटा दिया गया है, और उसकी जो ज़्यादा इम्प्लीकेशंस जो देखी जा रही हैं, एक हल्का ये कह रहा है कि जो मुलन साहब की जो स्टेटमेंट आई थी ISI के मतलब बहुत सख्त किस्म की, वो बड़े बुद्धबार और ठंडे किस्म के आदमी थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उन्होंने एक बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट सब बात की, जिसका उन्होंने उनकी अपनी गवर्नमेंट बैकआउट कर गई, बट लोग उसका लिंकेज देख रहे हैं इस स्टेटमेंट के साथ कि मे बी मेमो जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्सिक्यूट हुआ था, और मुलन साहब जो ये कह रहे थे कि जनाब वो हमने इसको लाइटली लिया था, शायद उन्होंने लाइटली नहीं लिया, और ये कंफर्म भी हो गई है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं नदीम? अपने भाई से पूछना चाहता हूं कि जग हंसाई जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जब मियां साहब जलसों में खड़े होके, खा वो कश्मीर में जलसा हो, खा वो फैसलाबाद में हो, जब ISI पे इल्जाम लगाते हैं कि ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक नई IGI बना रहे हैं, उस वक्त हमारे मुल्क की जग हंसाई हमारी एजेंसी की नहीं होती, और वो कौन कर रहा होता है ये, वो उसमें कंफ्यूजन, वो जग हंसाई ज्यादा है जब अकानी नेटवर्क का हमारे ऊपर इल्जाम लगता है, तो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे मियां साहब APC में बैठ कहते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, उस वक्त जग हंसाई नहीं होती। सफारतकारों के एक बड़े उनको आम आदमियों से ज्यादा जो है ठंडा और बुर्दबार होना चाहिए, और जिस तरह फरमा रहे हैं ये हुसैन हकानी हमारे दोस्त हैं, मगर ये उनकी एक कंपल्सिवली एक फुर्तियां दिखाने की जहां जरूरत भी नहीं है, ये हमेशा से एक आदत रही है जिसकी वजह से ये सारा एक इशू बना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें 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 कोई हर्ज नहीं है कि देखा जाए। मुझे ये बताएं कि आप इससे आपको तसल्ली है कि जो प्रोसेस अभी तक हुआ है हुसैन हकानी साहब के साथ आप कह रहे हैं वो ठीक हुआ है? कौन मैं? जी नहीं, मैं कहता हूं उनको देखे, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जो IOPS इंक्वायरी हुई है ये भी अखबार में आया है कि ISI का फलां ऑफिसर अमेरिका गया है, मंसूर इजाज से मिला है, और बहुत दिनों से ये मामला चल रहा था और एंड पहुंच गया है कि उनके से रिजाइन ले लिया गया है। मैं याज अमीर साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि आप इस मामले को आप मजीद इससे जितना कुरेदेंगे आपके मुल्क की आपके इदारों की जग हंसाई होगी। आप बताएं जी जस्टिस ने गुजारिश है बीबी, देखें मेरा ख्याल है इंक्वायरी तो होनी चाहिए इसमें, देखें ना उसकी वजह, उसके इंक्वायरी का अगर रिजल्ट पॉजिटिव निकलता है, और मेरी दुआ है कि हुसैन हकानी साहब उसमें सुरखरू हो जाएं, तो कम से कम दुनिया में जो एक देखें दुनिया में ये खबर जो है पहले नहीं बनी, खबर उस वक्त बनी थी जिस वक्त आपने रिजाइन लिया है, तो ये भी तो दुनिया में हमारी एक सुबकी हो रही है ना किसी हवाले से कि देखें जी कि इनका एम्बेसडर था और इस किस्म की चीज़ों में। तो मेरा ख्याल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी इसलिए भी होनी चाहिए कम से कम आइंदा के लिए रास्ते भी तो
खुलने, और अगर वाकई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात है, देखें अगर प्रिंसिपली मुझसे पूछा जाए ना जो छह डिमांड्स इन्होंने मांगी थी जो कि ये हम आपको देंगे, अगर उससे हटके अगर पॉजिटिव बात करें, अगर मिसाल के तौर पर आज पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये फौज जो है हमारे सबऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, सिविल की हुकूमत को मानना चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। ये बात मियां साहब भी कहते हैं, ये बात आइन के मुताबिक है, लेकिन उनको अपनी सबऑर्डिनेशन में लाने के लिए किसी गैर मुल्कों में बात करना और उनको कोई चीज ऑफर करना, ये बहुत सीरियस नहीं, मेरा ख्याल है ये तो बहुत संगीन मसला, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मसला इंटरनल होना चाहिए इवेंचुअली। नाज़रीन इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। होना क्या चाहिए, अभी तो हम बात कर रहे थे पॉलिसीज की, लेकिन होना क्या चाहिए, सबसे बेहतर तरीका क्या है, जो हो चुका हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से वहीं बात खत्म होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में बात खुलनी चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ फोन पर हैं सेनेटर मुशाहिदुल्ला साहब, पीएमएलएन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, पीएमएलएन की पॉलिसीज पर बात हो रही थी, हमने कहा उनसे पूछते हैं। सेनेटर साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त पॉलिसी है खास तौर पे मेमो के हवाले से, एक तरफ जो उनके अपने हैं पार्लियामेंट्री लीडर चौधरी निसार साहब, ये पार्लियामेंट में कुछ और कह रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट है इसको जवाबदेह होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, दूसरी तरफ खुद चले गए सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए, तो कुछ कंफ्यूजन का शिकार है या आप चाह रहे हैं कि हर तरफ इस पर आप पॉइंट स्कोर कर लें मेमो क्राइसिस पे? ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है, ये इशू ऐसा नहीं है कि जिस पर पॉइंट स्कोर किया जाए। चौधरी निसार अली खान अगर ये कह रहे हैं तो वो इसलिए कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को मौजूदा हुकूमत ने ऑलमोस्ट रबर स्टैंप तो बनाया ना इसके करारदादों के साथ, जो हशर किया और जो दीगर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मेरा ख्याल है अभी उसमें जाना सही नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमने किसी भी फोरम को छोड़ दिया। वो बार बार ये कहते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि पार्लियामेंट जो है उसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है, उसकी सेंसिटी है, और उसको बरकरार रखने के लिए वो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत से कह रहे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम है, चूंकि ये कौमी मसला है और पार्लियामेंट पे अवाम का बदकिस्मती से बहुत ज्यादा एतमाद नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में है काफी हद तक, तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी या कमीशन की बात होती तो उसका वही असर होता जो पिछले कमीशन का हुआ इफ्ताबाद वाले के, जिसपे अपोजिशन लीडर से मशवरा तक नहीं किया गया, हालांकि पार्लियामेंट में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हुआ था उसमें ये एक मैंडेटरी था कि चौधरी निसार से अपोजिशन लीडर से वो मशवरा करें, नहीं किया, और उसी के नतीजे में आप देखें ना 6 महीने तक कुछ भी नहीं। अच्छा तो ठीक है आमिर आप बताएं, मगर नसीम ये इस पे आपको या हमें किसी को एतराज क्यों होना चाहिए? ये जो आपके बकौल विक्टिम हैं हुसैन हक्कानी, उनकी बेगम साहबा ने खुद ये कहा है कि वो कोर्ट में जाएंगी, जब वो खुद कोर्ट में जाना चाह रही हैं तो बाकियों के जाने पे किसी को क्या एतराज है? मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये लोग कोर्ट में नहीं भी जाते तो मंसूर एजाज साहब को, मुझे 5 साल में अमेरिका में न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ, मेरी उनसे वाकफियत है, वो जिस किस्म के इंसान हैं और जिस तरह उनको सस्ती शोहरत का शौक है और जिस तरह के सख्त लफ्ज़ है मगर वो छछोरापन उनमें है, वो वहाँ कोर्ट में आप देखिएगा जरूर जाएंगे, और ये जब ये कोर्ट में जाएंगी अमेरिका में जाएंगे, इन्होंने भी फरानाज ने भी कहा था कि वो यहाँ भी कोर्ट में जाएंगी और वहाँ भी जाएंगी, मगर ये कोर्ट में जाना कोई ऐसी वो नहीं है, और ये क्यों आप कह रही हैं कि ये अहम वाकया नहीं है? बहुत अहम वाकया है और इसका कोई किसी ने तो नहीं कहा अहम नहीं है, तो किसी ने कहा तरीका कार क्या आगे जाने का, देखिए ना पीएमएलएन की दो मेरे ख्याल में रीजंस हैं वहां पे जाने के, एक तो ये कि इस वाकये से कोर्ट में जाने से उनकी और फौज की पोजीशन तकरीबन करीब हो जाती है कि रफली वो बिहाइंड द कर्टन्स रह के वो सारा इस पे प्रेशर तो वहीं से आ रहा है ना, तो इनको क्या मतलब का से कर, नहीं एक सेकेंड मुशाहिदुल्ला साहब ये तो कह रहे हैं कि प्रेशर आ रहे हैं, क्या मतलब? नहीं ये जो हुसैन हक्कानी के खिलाफ जो हुआ है सारा, उसके अंदर फौज एक अहम उस सारी उसका एक रुकन है, जाहिर है एस एच ई बाहर गए और उनकी तरफ से प्रेशर था, आर्मी चीफ सदर को वजीर आजम को मिलते रहे, तो वो ये चाह रहे थे कि ये हो, तो यहां से एक पॉलिटिकल पार्टी भी जब वही कर रही है उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं ना बेसिकली, तो ये दरमियान में जो ये कही जाती थी कि बीएमएलएन की और फौज के दरमियान में थोड़े से फासले रहते हैं, तो एक किस्म की हो सकता है ये मूव से वो ये जेस्चर भी देना चाह रहे हैं कि आपके हमारी हम ख्याली आमिर मतीन की जो पोजिशन है ये कह रहे हैं इट्स काइंड ऑफ
जो फासले हैं पीएमएलएन में और फौज में कम होंगे इससे? ये पता नहीं, वो नहीं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम होंगे, मगर वो एक किस्म का रफली इस इशू के ऊपर वो एक किस्म का फौज के स्टांस को स्टॉप सपोर्ट कर रहे हैं कि फौज जो है जाहिर है वो चाह रहे हैं कि ये इसके निकलवाने में भी उनका हाथ है। को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो फरा नाज ने कहा था वो डैमेजेस के सूट की बात की थी, वहां जरूर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात है जिसको अय्याज अमीर साहब ने शुरू में जो है पॉइंट उठाया है। देखिए बात सुने, हम क्यों नहीं कई चीजों को जाने देते, जहां कई चीजों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए वहां पे हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हमारे कान जो हैं कुछ सुन नहीं पाते। एक टुकड़ा कागज का मंसूर एजाज ने दिया, मान लिया, मफरूजा है कि हुसैन अकानी का उसमें इनपुट था, माइक मेलन के दफ्तर जिम जोन्स के हाथों गया। माइक मेलन ने किया क्या? कोई ऑर्डर दे दिया कि पाकिस्तान पे हमला आप कर दो? यहां पे क्या हो गया, कोई उनकी बैरी फ्लीट आ गई जो पाकिस्तान के सी पोर्ट्स को ब्लॉकेड करे? उनका था एक, मंसूर एजाज ने कहा हकानी का बैकग्राउंड जो उसमें हमें पढ़ना नहीं चाहिए, जो भी है उनके क्या हुआ। कारगिल पे तो कुछ ना हुआ, हमने कुछ नहीं किया। 99 के कू पे तो हमने कुछ नहीं किया, और ये जज साहिबान सारों ने 99 के कू पर ठप दिया, फिर जफर अली शाह केस में दोबारा ठप्पा दिया, वो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, तो वो जायज था। आपकी तारीख भरी हुई है चीजों से जो सब जायज है, उसके बारे में कुछ भी नहीं। यहाँ जो है इसको जाने दें, कुछ थोड़ा सा आगे हम ठीक है, फेयर इनफ। मुशाहिदुल्लाह साहब, अयाज कह रहे हैं कि इसको जाने दें, वो कह रहे हैं इतनी तारीख भरी है उन किस्सों से जो इस पर कुछ होना चाहिए था, तो ये क्या कर रहे हैं फिर? देखें, वो अय्याज अमीर साहब जिस भी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं उनकी राय का अपनी जगह पे एक बहुत एहतराम है, लेकिन मसला ये है कि ये पूरी कौम इस्तराब का शिकार है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। अगर इसका माजी में भी इस तरह की चीजें बिल्कुल अय्याज अमीर साहब सही कह रहे हुई हैं, और अगर उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, होना तो ये चाहिए था तो उन पर भी एक्शन होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उस वक्त नहीं हुआ तो अभी नहीं होना चाहिए, और इसको जरूर चेक करना चाहिए, वरना तो फिर इससे बड़ी और कोई वारदात पड़ेगी। लेकिन अभी तक तो ये है कि जो भी हुकूमत ने इस इशू पे किया उससे तो लगता है कि बाजी नजर में सच्चाई है सारे में, और सच्चाई है तो फिर ये मुल्क जो है ये कब तक इस तरह से चलाएंगे? कभी ना कभी कोई ना कोई तो कोई बंद बांधने की कोशिश करे, कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश करे, पार्लियामेंट करे, हुकूमत करे। मैं एक पूछना चाहता हूं इन सब से जो कह रहे हैं कि बड़े, और आईएसआई से पूछना चाहता हूं कि मंसूर एजाज का मेमो माइक मेलन के दफ्तर पहुंचा, वो ज्यादा अहम है कि उसामा बिन लादन का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पास 2-3-4-5 साल रहना, हमें ना पता होना और हमला होना और उसको ले जाना, वो ज्यादा अहम है? वो मई 2 को वाकया हुआ था जब अमेरिकन आए थे, उससे पहले डाउट तो कोई नहीं है ना, वो तो हुआ था वाकया, वो हुआ था। उसके बाद हमने क्या किया है, कौन सी गर्दनें कटी हैं, कौन सी इंक्वायरी कमीशन एक बैठी है, कौन से नतीजे पे आई है? मई कहां, नवंबर कहां, 6 महीने में तो दुनिया बदल जाती है, उसके बारे में सब चुप है, सब चुप है। हां, हम वो अपनी मुहिब्बुल वतनी के हमारी सॉवरेंटी वायलेट होगी, हकानीज बैठे हों शुमाली वजीरिस्तान में, हमारी वो सॉवरेंटी वायलेट नहीं हो रही, फाटा हमारे कंट्रोल से चला जाए सॉवरेंटी वायलेट नहीं हो रही, वहां सब कुछ वो शोरश हो वो कोई नहीं हो रही, वहां पे आए हैं वो बैठा हुआ है इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो हम कहते हैं सॉवरेंटी वाय, इसके बारे में कोई सवाल कोई जवाब नहीं, कोई अच्छा कोई जवाब नहीं देगा। नाजीन, इसी पॉइंट पर प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और नाजीन, ये आपने जो देखी, मेरा ख्याल इसी नौयत की डिबेट इस मुल्क में भी चल रही है, ये बात आगे कहां जाएगी, बहरहाल हम इस पर नजर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।